7 जून 2024, स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो के अंदर। अभी हम लोग है रोहतांग पास में, 7:30 हुए हैं। टेम्परेचर होगा 2 से 3 डिग्री के आसपास। अभी बीच में थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये पूरा का पूरा पास सभी बादलों से ढका हुआ है। खूब ठंडी हवा चल रही है। अभी कितनी स्नो रोहतांग पास में है, क्या क्या स्नो एक्टिविटीज़ हो रही है और कैसे आप आ सकते हैं, ये सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा और खूब सारा प्यार इस वीडियो को दीजिएगा। रोहतांग पास मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और आप लोग कोई भी 4 व्हीलर लेके यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे कि अल्टो कार होगी, डिजायर होगी, अर्टिगा होगी या फिर टेम्पो ट्रेवलर। बाइक्स वगैरह रोहतांग पास में अलाउड नहीं होते। रोहतांग पास आने के लिए आपको ऑनलाइन परमिट निकालना रहता है। गूगल पे आप सर्च करेंगे रोहतांग पास परमिट, तो आपको नीचे लिंक मिल जाता है। वहाँ पे आपको गाड़ी की और ड्राइवर की डिटेल्स डालनी पड़ती है, और वो डिटेल्स डालने के बाद फिर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आता है। वो पेमेंट करके आप लोग जो है परमिट निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑनलाइन परमिट नहीं मिलता है तो आप मनाली से लोकल टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, और वो टैक्सी आपको यहाँ पे ले आती है जहाँ पे आपको 15 से 20 फीट के आसपास स्नो मिलती है, और खूब मज़ा आप लोग रोहतांग पास में कर सकते हैं। तो अभी हम लोग हैं रोहतांग पास के 0 पॉइंट पे। 0 पॉइंट ब्यास ऋषि का टेम्पल है रोहतांग पास में। जैसे आप एंट्री करते हैं उससे लगभग 1 किलोमीटर आगे आके है, और इसको 0 पॉइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होती है और यहाँ से आगे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होती है। तो रोहतांग पास का 0 पॉइंट कुल्लू और लाहौल स्पीति को अलग करता है, और इसका पास इसलिए नाम भी पड़ा क्योंकि यहाँ से जब ये रोड्स वगैरह नहीं होते थे तो लोग यहीं से होके आगे जाते थे। अभी 2020 के बाद तो अटल टनल स्टार्ट हो गया था, लगभग 3 अक्टूबर को शायद वो स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद से अभी लेह लद्दाख वगैरह आपको जाना बहुत इजी हो गया है, और पहले आपको पास रोहतांग पास के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था आगे जाने के लिए। और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ATVs खड़ी है बहुत सारी। तो यहाँ पे आके जो सबसे पहली एक्टिविटीज़ होती है जिसका मज़ा आप ले सकते हैं वो है ATV राइड। और जब बर्फ़ के अंदर आप ATV के ऊपर बैठ के जाते हैं बहुत अच्छा आपको फील होता है। 2 लोग एक साथ ATV पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे जो इनका ड्राइवर रहता है वो भी रहता है, उसके पीछे 2 लोग होते हैं, और आप लोगों को खुद से चलाने के लिए भी ATV दी जाती है। तो काफ़ी अच्छी ये एक्टिविटीज़ है और खूब मज़ा आपको आता है इसके अंदर। ATV के बाद जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है वो होती है स्कीइंग और स्कीडो। स्कीइंग जो आप टूरिस्ट करते हुए देख सकते हैं, यहाँ पे आपके साथ एक गाइड रहता है। कई बार टूरिस्ट सोचते हैं कि हमें स्कीइंग नहीं आती, हम कर पाएंगे कि नहीं, तो यहाँ पे एक गाइड रहता है जो आपको स्कीइंग सिखाता है। और स्कीइंग अनलिमिटेड टाइम की एक्टिविटीज़ होती है और खूब मज़ा आपको आता है यहाँ पे। आप लोग स्कीइंग डाल के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं और अपनी यादों को, मनाली की यादों को पूरी लाइफ टाइम के लिए यादगार बना सकते हैं। उसके बाद कई टूरिस्ट सोचते हैं किस तरह के कपड़े हम लोग मनाली के अंदर डाल के आए, तो सबसे ज़रूरी यहाँ पे जब भी आप बर्फ में आएंगे तो सबसे ज़रूरी होती है स्नो ड्रेस। ये टूरिस्ट आप देख भी सकते हैं जो स्नो ड्रेस डाल के खड़े हुए हैं। इसके अंदर सबसे पहले नीचे गम बूट्स होते हैं जो कि फिसलते नहीं हैं और अंदर से ये गिले भी नहीं होते हैं। उसके बाद सेकंड जो इसके ऊपर, इसको डांगरी सेट बोला जाता है, और आप जो भी कपड़े डालते हैं उनके ऊपर से ही इसको पहना जाता है। तो इस ड्रेस का रेंट होता है 250 रुपीज़ पूरी ड्रेस का। उसके अलावा आप लोग कैप ज़रूर लेके आए जब भी यहाँ पे आते हैं। कैप के साथ यहाँ पे अच्छा सा कोई चश्मा रखे क्योंकि यहाँ पे धूप इतनी तेज़ होती है कि वो आँखों में आपके बहुत ज़्यादा चमक पड़ती है। तो अगर आप चश्मा नहीं डालते तो यहाँ पे आप देख ही नहीं पाते। तो सबसे ज़रूरी यहाँ पे कि चश्मा वगैरह आप रखें, स्नो ड्रेस रखें, और उसके बाद कोई अच्छी सनस्क्रीन और कोल्ड क्रीम रखें क्योंकि यहाँ पर सर्दी भी एक साथ होती है और साथ में गर्मी होती है। और ये आप देख सकते हैं कुछ टूरिस्ट स्कीइंग करते हुए, और जब वो गिरने वाले होते हैं तो जो यहाँ पे गाइड है वो उनको संभाल रहे हैं। और ये मैडम थे जो गए हैं और इनके हस्बैंड ये साथ साथ स्कीइंग करते हुए। ये देखो बड़ा प्लेन सा ग्राउंड है, यहाँ पे कोई भी ज़्यादा रिस्क नहीं है। छोटा मोटा आप गिरते भी हैं लेकिन उससे चोट बिल्कुल भी नहीं लगती। ये देखो बड़े मज़े से यहाँ से आप लोग उठ जाते हैं, और हर एक स्की करने वाले के साथ एक एक गाइड रहता है यहाँ पे। और टूरिस्ट अभी पहुँचना चालू हो गए, ये देखिए। और जो स्कीडू की बात कर रहे थे हम, ये है स्कीडू पे एक टाइम पे एक टूरिस्ट बैठ सकता है। और जो अभी हमने 4-5 दिन पहले जो वीडियो डाला था उस टाइम पे रोहतांग में
इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा बर्फ थी, पूरा वाइट था, और अभी इस पॉइंट से धीरे धीरे स्नो हो कम होनी चालू हो गई है। तो अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल स्नो ख़त्म हो गई, आगे के पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा स्नो आपको मिलती है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं छोटे बच्चों के साथ आ सकते कि नहीं आ सकते, तो ये देखिए टूरिस्ट छोटे छोटे बच्चों के साथ भी यहाँ पे आते हैं, किसी तरह की दिक्कत यहाँ पे नहीं होती। तो आपको जहाँ पे गाड़ी छोड़ती है वहाँ पे रोड के साइड में जब लगता है कि ज़्यादा बर्फ़ नहीं है तो आप ऊपर पैदल चल के जा सकते हैं। ऊपर जितना आगे आप जाएंगे पैदल उतनी ज़्यादा बर्फ़ आपको मिलती जाएगी। तो ये देखो कुछ टूरिस्ट ऊपर की ओर जा रहे हैं, और बीच में यहाँ पे थकते भी ज़्यादा हैं क्योंकि आदत होती नहीं हाइट पे चढ़ने की, और थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है। और बहुत सारे टूरिस्ट पूछते हैं ऑक्सीजन लेवल क्या ज़्यादा कम है, क्या हमें आना चाहिए, सेफ है कि नहीं है। तो ऑक्सीजन लेवल तो कम होता है कहीं भी हाइट पे जाते हो, लेकिन वो इतना कम नहीं होता कि आपको यहाँ पे आके सांस ही ना आए। अगर किसी को कोई सांस की बीमारी है तब दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे देखो हर स्टेट के टूरिस्ट पहुँचे हैं और सारे के सारे ऊपर की ओर जा रहे हैं स्नो के लिए, क्योंकि रोड के साइड में स्नो तो है लेकिन वो स्नो हार्ड है। और ये देखो कैसे बर्फ़ एक दूसरे को फेंक के मार रहे हैं। तो ATV स्कीइंग और स्कीडू के अलावा और एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं वो है याक राइड। ये दूर वीडियो में आप देख भी सकते होंगे बहुत सारे याक चले जा रहे हैं, तो आप लोग याक राइड कर सकते हैं। और उसके बाद एक और एक्टिविटी यहाँ पे होती है ट्यूब स्लाइड। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्यूब स्लाइड बन चुकी है, ये देखिए 200 से 300 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है। तो अभी टूरिस्ट कोई पहुँचा नहीं है स्की करने ट्यूब स्लाइड करने वाला, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है और नीचे को लेके जाते हैं, ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, और स्कीइंग अनलिमिटेड एक्टिविटी होती है। और जब भी आप रोहतांग पास में आएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे फोटोग्राफर्स मिलेंगे आपको, जो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके सॉफ्ट कॉपी साथ की साथ दे देते हैं। लेकिन जब भी आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं तो ध्यान रखें फोटोग्राफर के आप पास पास रहे, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता। कई बार ऐसे होता कि आपने फ़ोटो तो क्लिक करा ली लेकिन उसके बाद आप फोटोग्राफर से फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ले पाए। और ये देखिए आज का मौसम बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ठंडी हवा यहाँ पे चली हुई है, और यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं होता तो एग्जैक्ट टेम्परेचर तो हम लोग नहीं चेक कर सकते, लेकिन यहाँ पे अभी तो ऐसे लग रहा है कि 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर होगा। हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे क्लाउड्स अभी बन रहे हैं यहाँ पे, विजिबिलिटी काफ़ी कम है। दूर अलग अलग एंगल पे बादल चलते हुए खूब स्पीड से बादल बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपके मन के अंदर ये आता है कि जब भी आप आ रहे हैं यहाँ पे आपको कितना ट्रैफिक मिलेगा। तो अभी जून का महीना चला है और हरियाणा, पंजाब, UP, चंडीगढ़, दिल्ली जितनी भी नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स है वहाँ पे अभी गर्मियों की छुट्टियाँ चली है, समर वेकेशन चले हैं, उस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक अक्सर होता है। और आप लोग जब भी सोचते हैं कि मनाली ना आके किसी और जगह पे चले जाए, तो आप किसी भी हिल स्टेशन पे जाएंगे तो अभी आपको ट्रैफिक तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हर जगह पे आपको स्नो की गारंटी नहीं मिलती। लेकिन मनाली ऐसी जगह है जो आपको 100% स्नो की गारंटी देता है। अभी जून के अंदर भी आप देख रहे हैं, 7 जून आज की डेट है, फिर भी इतना अच्छा स्नो यहाँ पे है, इतनी सारी स्नो एक्टिविटीज़ यहाँ पे चली है। तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप लोग होटल से 4:30-5 बजे स्टार्ट कीजिए अपना ट्रिप, और 2-3 घंटे में आप लोग मनाली पहुँच जाते हैं। फ्राइडे सैटरडे को थोड़ा सा रश ज़्यादा रहता है, उस दौरान हो सकता है 2-3 की बजाय आपको 4-5 घंटे भी लग जाए, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद आपको कोई मलाल नहीं होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्रेश बर्फ़ चाहिए हमें, ट्रैफिक में नहीं फंसना, तो मई जून की बजाय आप लोग जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल तक आइए। उस टाइम पे जो आप स्नो देख रहे इससे ज़्यादा और इससे फ्रेश स्नो यहाँ पे आपको मिलता है। फिर आपके मन के अंदर सवाल आता है कि क्या क्या आइटम्स आपको यहाँ पे खाने की मिल जाती है। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप अपना खाना वगैरह पैक करके ला सकते हैं, या फिर यहाँ पे आके आपको चाय, कॉफ़ी, मैगी, ब्रेड, आमलेट वगैरह मिल जाता है, राजमा राइस वगैरह मिल जाते हैं। बाकी खाने में ज़्यादा वेराइटीज़ यहाँ पे नहीं होती। कुछ टूरिस्ट ये भी पूछते हैं क्या हम लोग रोहतांग के अंदर स्टे कर सकते हैं। तो आपको ओल्ड रोहतांग रोड पे कोठी के बाद स्टे का ऑप्शन कहीं पे नहीं मिलता। मनाली के बाद कोठी विलेज आता है और उसके बाद गुलाबा बैरियर, मढ़ी, रोहतांग आते हैं। तो गुलाबा बैरियर या फिर मढ़ी या फिर रोहतांग कहीं पर भी स्टे का ऑप्शन नहीं है। आप या तो कोठी के अंदर स्टे कर सकते हैं या फिर आप रोहतांग पास
क्रॉस करने के बाद कोकसर गांव आता है, सिसु गांव आता है, वहां पे आप लोग स्टे कर सकते हैं। तो अभी आपने ये देखा, बहुत अच्छा यहाँ पे मौसम है। अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे हम लोग कोकसर की ओर चलते हैं, तो रास्ते में कितनी स्नो है, क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी भेड़े पहुँच चुकी है, और उसके साथ साथ बहुत सारी गाड़ियाँ अभी पहुँच चुकी है। थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे वीडियो में बहुत कम लोग थे, और अभी खूब सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँच चुकी है, रौनक मेले लग चुके हैं यहाँ पे, ये देखिए। और अभी थोड़ी देर के बाद तो यहाँ पे ऐसा सीन बन जाएगा कि यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, जो मेन रोड के साइड में जितनी भी जगह है। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे ग्राउंड्स बहुत सारे हैं एक्टिविटी के। हमने तो आपको वीडियो में एक दो ही ग्राउंड दिखाए, ऐसे यहाँ पे 8-10 एक्टिविटी ग्राउंड है। तो खूब सारा टाइम आपको, खूब सारी जगह मिल जाती है यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। और अभी यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कोक्सर की साइड में कितनी बर्फ है। तो ये हम लोग 0 पॉइंट से 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास आगे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, और रोड के साइड में ही लोगों को यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट, 4-4, 5-5 फीट के आसपास स्नो है। ये देखिए बहुत छोटे बच्चे के साथ टूरिस्ट पहुंचे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, बड़े मजे से आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और आगे 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 तो व्यू और अच्छे हो रहे हैं, ये देखिए बहुत अच्छा क्लाउड्स का व्यू यहाँ पे आ रहा है, और ये टेम्पो ट्रेवलर आ रहा है सामने से, और छोटे छोटे बच्चे। बिल्कुल रोड के साथ में ही आपको कोकसर मोड़ की ओर स्नो मिल जाती है। तो अगर आप लोगों को एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं करनी है तो आप लोग यहाँ पे आइए, और यहाँ पे बिल्कुल एकदम वाइट बर्फ आपको मिलती है। 0 पॉइंट पे तो वीडियो के अंदर आपने देखा भी होगा, बिल्कुल ब्लैक स्नो थी, और यहाँ पे देखिए एकदम से वाइट, जितने वाइट बादल ऊपर उससे भी ज़्यादा वाइट नीचे स्नो दिख रही है। और यहाँ पे भी आपको खाने पीने की सारी आइटम्स जैसे 0 पॉइंट के पास होती है, तो वैसे ही आगे जितना आगे भी आप आते जाएंगे तो वो कैफेज वगैरह हर जगह पे ऐसे ही मिलेंगे आपको। और क्लाउड्स तो खूब प्यारे हैं आज, और उस वजह से काफी अच्छा व्यू आज की वीडियो में आपको आने वाला है। और अभी हम लोग थोड़ा सा नीचे गए हैं, कोक्सर भी नहीं पहुंचे हम, ग्राम्फू से भी पहले हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ग्रीनरी आनी स्टार्ट हो गई है। तो जो स्नो अभी है वो केवल रोहतांग पास में है, उससे नीचे आपके आपको स्नो नहीं मिलता। और कई बार आप लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम कोक्सर साइड से आ सकते हैं कि नहीं, तो ये भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा कि कोक्सर से अभी होके आप लोग रोहतांग पास आ सकते हैं कि नहीं, और ग्राम्फू का भी एरिया आपको दिखाएंगे जाते हुए हम लोग। ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये जो रोड जाता है काजा की ओर, स्पीति की ओर, तो ये रोड रोहतांग और कोक्सर के बीच में ग्राम्फू नाम की जगह है, वहाँ से ये कच्चा रोड शुरू होता है। और अभी ये रोड बाइक, कार, सभी तरह के व्हीकल के लिए ओपन कर दिया गया है। तो यहाँ की कैसी रोड कंडीशंस है, काजा के अंदर कौन कौन सी जगह घूमने लायक है, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो अभी कल परसों और उससे पहले 3 वीडियोस हमने लगातार बनाए हैं काजा, स्पीति वैली, चीचम ब्रिज के ऊपर, तो वो वीडियोस आप जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ से ये रोड है ज़्यादातर कच्चा है, और यहाँ पे अभी स्नो नहीं बचा है, ये देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ अभी यहाँ पे खड़ी हैं। तो अगर आप लोगों ने रोहतांग परमिट नहीं निकाल रखा है तो आप ग्राम्फू तक अभी गाड़ियाँ लेके आ सकते हैं, ग्राम्फू से ऊपर गाड़ियों को नहीं छोड़ा जाता जब तक आपके पास रोहतांग पास वाला परमिट ना हो, जो कि आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। 550 रुपये उसकी फीस होती है, और वो आप हिमाचल गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ से वो परमिट आप निकाल सकते हैं। और अभी यहाँ पे बिल्कुल भी स्नो नहीं बचा है, और इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कोक्सर, अटल टनल और सोलांग वैली में भी स्नो नहीं है। तो उनमें से भी कुछ पॉइंट आपको दिखाएंगे, और मनाली के अंदर कितना ट्रैफिक अभी, ये भी हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोक्सर विलेज के अंदर, और कोक्सर विलेज के पास ये ब्रिज है जहाँ पे बहुत ही सुंदर कलरफुल फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पे
कुछ देर के लिए रुक के फोटोज वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा फील आता है। और कोकसर के अंदर काफी सारे ढाबे वगैरह भी हैं जहाँ पे आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा। कोकसर के बाद फिर आप लोग अटल टनल के पास रुक सकते हैं जहाँ पे काफी अच्छा लगता है। और अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें रोहतांग पास जाना, क्या हम कोकसर होके जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने रोहतांग पास का परमिट निकाल रखा है तो आप कोकसर होके भी रोहतांग पास के 0 पॉइंट पे जा सकते हैं। तो काफी अच्छी न्यूज है ये। और अगर आपको ट्रैफिक से बचना है, कोठी गुलाबा की साइड तो काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है, रोड की कंडीशन भी काफी डाउन है, तो आप कोकसर की तरफ आइए और यहाँ से काफी अच्छा आपको लगेगा और पूरा रोड एकदम चकाचक है। और ये कोकसर से लेके अटल टनल के बीच में बहुत ही सुंदर सुंदर कुछ ढाबे आते हैं जिनका व्यू बहुत ही खूबसूरत है। अभी यहाँ पे लोगों ने जो आसपास की जगह है वहाँ पे गोभी वगैरह, ब्रोकली वगैरह जो यहाँ पे फसलें उगाई जाती है वो उगाना चालू कर दिया है। देख सकते हैं आप, थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी साइड में आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पे काफी सारे ढाबे हैं जहाँ पे बैठ के आप लोग फूड वगैरह का मजा ले सकते हैं। काफी अच्छा आपको फील होता है जब यहाँ पे माउंटेन्स के बीच में बैठ के, इतना ओपन ग्राउंड के बीच में बैठ के आप लोग खाना खाते हैं। तो कोकसर के बाद हम लोग रुके हैं अभी अटल टनल के पास। और अटल टनल के बाद देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट रुकते हैं यहाँ पे। कुछ लोग तो लोकल ड्रेस डाल के यहाँ पे डांस करते हुए रील बना रहे हैं कुछ टूरिस्ट। यहाँ से सिसु केवल 5 से 6 किलोमीटर रह जाता है, जो सीधा रोड आप देख सकते हैं वो जाता है सिसु की ओर। और यही रोड से आप लोग लेह लद्दाख की ओर जाते हैं। तो स्नो पॉइंट यहाँ पे अभी के लिए रोहतांग पास में भी आप स्नो देख सकते हैं। उसके अलावा आप लोग लेह लद्दाख जाते हुए बारालाचा पास बीच में पड़ता है जो कि मनाली से 150 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं। और वहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम होता है, बहुत कम टूरिस्ट उस साइड में जाते हैं। और एक और स्नो पॉइंट आप लोग शिनकुला टॉप भी जा सकते हैं। यहाँ से जब हम आगे जाते हैं दारचा बैरियर आता है, दारचा बैरियर से शिनकुला टॉप और बारालाचा पास दो अलग अलग रास्ते शुरू होते हैं। तो 3 ऑप्शन है आपके पास अगर आप लोगों को स्नो एक्टिविटीज़ करनी है। और यहाँ से आप लोग जब अटल टनल क्रॉस करोगे तो आप मनाली की ओर पहुँच जाते हैं। तो अभी हम लोग अटल टनल क्रॉस करके मनाली की साइड चलते हैं। और यहाँ पे बाइक्स वगैरह, गाड़ी वगैरह कोई भी चीज़ आप लेके आ सकते हैं। और अटल टनल 24 घंटे खुला रहता है, आप दिन रात कभी मर्जी यहाँ पे आइए, ये हमेशा आपको खुला रहेगा। गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर थोड़ी सी टाइमिंग की दिक्कत होती है जब बर्फ जमती है रोड के ऊपर, गर्मियों के अंदर कोई भी इशू नहीं है टाइमिंग का। और जैसे ही हम लोग अटल टनल क्रॉस करते हैं तो एकदम से नज़ारे बदल जाते हैं। ये देखिए, जो लाहौल स्पीति साइड के पहाड़ है वो बिल्कुल सूखे नज़र आते हैं। और यहाँ पे ये देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी है, अभी बहुत अच्छी स्नो ऊपर ऊपर दिखाई देती है और नीचे स्नो नहीं बची है, लेकिन जो ये ग्रीनरी है ये बहुत ही प्यारी अभी लग रही है। और अटल टनल के पास फ़ोटो खिंचवाने की सबसे अच्छी साइड यही है। यहाँ पे एंट्री पे ही अटल टनल रोहतांग लिखा है जहाँ पे रुक के आप लोग फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। और देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे गाड़ी रोक के अभी फ़ोटो खिंचवाने में बिजी है। तो अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं सोलांग वैली की ओर। और ये अभी हम लोग पहुँचे हैं सोलांग वैली में। और यहाँ पे रोपवे का आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, यहाँ पे रोपवे का खूब शोर आता है। और ये देखिए अभी कितना सुंदर आसमान। तो यहाँ पे अभी रोपवे और पैराग्लाइडिंग आप लोग कर सकते हैं। अभी दोपहर का टाइम है इसलिए यहाँ पे लोग कम है, शाम के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी रौनक हो जाती है। जितने भी गाड़ियाँ स्नो पॉइंट से आती है वो सारी की सारी यहाँ पे रुकती है। और अभी सोलांग वैली रोहतांग पास के साथ ही सोलांग वैली अभी कवर हो जाता है। तो मनाली के पास हम लोग पहुँच गए हैं। और ये देखिए काफ़ी अच्छे अभी क्लाउड्स यहाँ पे बने हुए हैं। और ये सामने का जो एरिया है ये शनाक रोड है, ओल्ड मनाली रोड, यहाँ पे ये ओल्ड मनाली का एरिया है इन पेड़ों के पीछे। और ग्रीनरी अभी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और यहाँ से आगे ये देखिए कुछ कैंपिंग वगैरह की लोकेशन है। और उधर कोने पे मनालसु नदी है जो कि ब्यास नदी में मिलती है। और रोड की साइड से हम देखते तो यहाँ से पानी नहीं दिखाई देता, लेकिन थोड़ा आगे जब जाएंगे वशिष्ठ चौक से थोड़ा आगे तो वहाँ पे एक दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आप रिवर साइड में जाके बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते। लेकिन ध्यान रखें
कि आप इतना पानी के अंदर मत जाएं, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ठंडा होता है और एकदम डूबने से पानी का प्रेशर इतना कि एकदम से आप लोग डूब जाते हैं और कभी कभार ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है। तो अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप लोग रिवर की साइड भी जा सकते हैं। तो ये वीडियो में आपको वशिष्ठ चौका भी दिख रहा है, जहाँ से सोलांग वैली और रोहतांग की ओर से गाड़ियाँ कुछ रिटर्न आ रही है। तो अभी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे और कुछ एक गाड़ियाँ जा रही। सुबह के टाइम ज़्यादा ट्रैफिक होता है, सुबह और शाम के टाइम, दोपहर को बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता। और ये देखिए अभी यहाँ पे ये ब्यास नदी बहती है और ऊपर से जो नदी आ रही वो है मनालसू नदी, और ये दोनों नदियाँ बहुत सुंदर लगती है। और एक बार माल रोड की साइड से जो गाड़ियाँ आती वो भी दिखा दो। ये देखिए माल रोड की तरफ से भी बहुत कम गाड़ियाँ भी आ रही है, कुछ लोग गाड़ियों में चले हैं, कुछ लोग बाइक्स पे चले हैं। तो ट्रैफिक का हवा वैसे ही बना रखा है ज़्यादा लोगों ने, वो जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक लगता है वो लगता है रोहतांग पास में। रोहतांग पास में तो कई बार तीन तीन चार चार घंटे भी ट्रैफिक में फंसना पड़ जाता है रोड की वजह से। और दूसरा, जितने भी टूरिस्ट मनाली में आते हैं वो उन सभी को एक ही जगह पे जाना है। बाकी ये देखिए अभी दिन के टाइम इतना ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे नहीं है। और ये अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बिल्कुल मॉल रोड के पास। मॉल रोड का जो पुल है, ब्रिज, यहाँ से 300 मीटर दूर है और यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स वगैरह की शॉप है जहाँ से आप लोग रेंट पे बाइक ले सकते हैं। बाइक्स में स्कूटी का रेंट होता है 600-700-800 रुपए, बाइक का 800-900 हजार से स्टार्ट होके 1500 तक वेरी करता है किस तरह की बाइक आप लेते हैं। उसके अंदर आपको पेट्रोल वगैरह खुद डलाना पड़ता है और अगर टूट फूट होती वो भी आपको पेबल होती है, और हेलमेट वगैरह आपको दिए जाते हैं साथ में। और गाड़ियां मज़े से अभी चली है, ट्रैफिक तो होगा आज शाम को, शुक्रवार है आज, तो फ्राइडे सैटरडे संडे ये तीन दिन ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बाकी डेज में इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। तो आप लोग अगर ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहते तो वीकेंड को अवॉइड करके आइए, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा यहाँ पे घूम के। और ये देखो यहाँ पे ये आ गया मॉल रोड का वो ब्रिज, और ये राइट साइड में है मॉल रोड। तो यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे अपने होटल की ओर। तो दोस्तों अभी देखिए रोहतांग पास में जब हम लोग थे तो बहुत ही गर्म हमने जैकेट डाल रखी थी, और जैसे ही मनाली के अंदर आते हैं तो हाफ बाजू की टी शर्ट डाल के भी बड़े मज़े से आप लोग घूम सकते हैं। अभी सर्दियों के कपड़े की ज़रूरत आपको पड़ती है जब मनाली के अंदर बारिश हो, बाकी टाइम आप नॉर्मल घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कितनी यूज़फुल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल अपनी वीडियो को बनाएं, तो उसके लिए आप लोग भी सुझाव अपने दे सकते हैं। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जो लोग हमारे रेगुलर वीडियोज़ भी देखते हैं, तो अभी हमें जल्दी से जल्दी अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तो उसके लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। और जून का अभी एक दो वीडियो में पहले भी बोला कि जून जून तक हम लोग शांत बैठे हैं, जून के बाद जैसे ही यहाँ पे ऑफ सीजन स्टार्ट होगा तो बहुत सुंदर सुंदर ट्रैक स्टार्ट होने हैं, बहुत सुंदर सुंदर सी जगह फिर से यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। तो उसके लिए जितने भी लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए इतने सारे ऑफर लेके आएंगे कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब कर भी रखा है तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली में हैं, तो उन सबको भी चैनल ये सब्सक्राइब करके रखो ताकि जो ऑफर हम लेके आने वाले हैं वो सब आप चूक ना जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा और हम लोग जल्द मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर कोई नई अपडेट के साथ।